हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। आज मैं आपसे बात करूंगा एमएस वर्ड ट्रिक्स, जो ये पार्ट टू है। इससे पहले मैं एमएस वर्ड ट्रिक्स बना चुका है एक वीडियो, जिसमें मैंने स्माइली बनाने, रजिस्टर्ड मार्क, कॉपीराइट मार्क का सिंबल, ट्रेडमार्क का सिंबल कैसे बनाया जाता है, फिर 2 सेकंड में कैसे लंबी लंबी लाइन लिख सकती है, ये ट्रिक्स मैंने बताया था। उसमें मैं एक भूल गया था कि एक टेबल कैसे बनाया जा सकता है एमएस वर्ड में बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी मतलब आपको बार बार एक सिंबल लेके बनाना, फिर एक सिंबल लेके बनाना है। इससे मैं जस्ट कुछ यहाँ पे प्लस और माइनस यूज़ करके एक टेबल बना दूंगा। आप बोलेंगे वाह ये तो भी तो एक ट्रिक है। हाँ, इसीलिए मैं इस एमएस वर्ड ट्रिक के साथ ये सेकंड वीडियो जोड़ रहा हूँ, तो इसे देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है, इसे थोड़ा ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, क्योंकि मैं हमेशा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और जितना मैं जानता हूँ मैं फट से आपको बता देता हूँ, मैं जितना जानता हूँ उतना ही आपको बताता हूँ। हो सकता है कभी कभी मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी दिया कीजिए, और कुछ आपको नए वीडियो चाहिए तो वो भी बता दिया कीजिए। चलिए चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। मैं एमएस वर्ड खोल लिया। अक्सर क्या होता है, हमें कभी कभी चाहिए रहता है टेबल बनाना जिसके अंदर हम अपने वर्ड्स को लिख सके, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम सोचते हैं पहले उसके लिए हमें कुछ सिंबल, पहले उसके लिए कुछ हमें इमेज लेना पड़ेगा या कुछ हमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट आर्ट लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही सोचे। जो कंप्यूटर में महारत हासिल किए रहते हैं उनसे आप उनके पास जाइए तो वो आपके इस आइडिया को सुन के हंस सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ और इक्वल्स टू साइन, मतलब इसको करने से आपका प्लस साइन बनेगा, तो सिंपली आप प्लस साइन को टाइप कीजिए, उसके बाद माइनस साइन को टाइप करते जाइए। जितना बड़ा आपको उस बॉक्स का, टेबल का बॉक्स को जितना बड़ा आपको लेंथ चाहिए, मान लीजिए मुझे लेंथ इतना चाहिए, मतलब मेरा लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ था, फिर एक प्लस का साइन। अब ये क्या होगा, अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये देखिए ये एक रो और एक कॉलम का टेबल बन गया। लेकिन अब आपको चाहिए था, नहीं मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, मुझे इस ज़्यादा का, मुझे ज़्यादा रो और ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो कुछ नहीं है दोस्तों, आपको फिर से क्या करना है, प्लस दबाना है, उसके बाद माइनस माइनस जितना बड़ा आपको उसका बॉक्स चाहिए, फिर प्लस, तो ये एक रो एक कॉलम का टेबल बना, फिर माइनस 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 आप इक्वली बांट दिए ताकि सब बॉक्स बराबर बने, फिर प्लस का साइन, तो ये एक रो दो कॉलम का, फिर आप बोलेंगे नहीं मुझे एक रो तीन कॉलम का चाहिए, उसके बाद फिर प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन, और फिर आखिरी में आप दबा दीजिए प्लस और एंटर, तो ये देखिए मेरा टेबल बन गया। आप बोलेंगे ये तो सिर्फ एक रो तीन कॉलम का, मुझे इससे बड़ा चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, आप आखिरी में आइए, आप कर्सर को आखिरी में लाइए और एंटर दबाइए, फिर आखिरी में लाइए, फिर एंटर दबाइए, फिर आखिरी में, तो ये देखिए कि क्या हो गया, 3x3 का आपका टेबल बन गया। आपको इसको फिर लाना है, फिर एंटर दबाइए, या बोलेंगे नहीं ये तो बहुत मेहनत का काम, बार बार, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल के एंड में इसको अगर बड़ा करना है तो ये मेनली यूज़ होता है। ये देखिए इस टेबल को आप बड़ा भी कर सकते हैं या फिर आप टैप की को भी यूज़ करके इसे नीचे और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, मैंने बेकारी में बोल दिया कि इसमें मेहनत है, इसमें कुछ तो मेहनत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये टेबल को आप बड़ा भी इसी से कर सकते हैं, ये देखिए लास्ट में पॉइंटिंग है, इससे आप बड़ा भी कर सकते हैं, फिर इसके अंदर वर्ड ईजिली आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, इसे थोड़ा बीच में कर दिया जाए, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं सब्जेक्ट। तो ऐसे आप कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए टेबल बनाना पड़े तो आपको कहीं ये सोचने लग जाए अरे ये कैसे हो सकता है, टेबल कैसे बनाएंगे एमएस वर्ड में, हमें तो बहुत मुश्किल करना पड़ेगा। ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको टेबल बनाना कितना आसान, मैंने आपको बता दिया, कुछ करना था फिर नहीं करना था। अब मैं एक बार और रिकैप करा देता हूँ, जिन्होंने अच्छे से नहीं देखा तो आपको वीडियो के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नए पेज में आ गया, फिर से क्या करना है आपको, सिर्फ प्लस का साइन, फिर माइनस माइनस में जितना बड़ा आपको बॉक्स चाहिए, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस, तो ये हो गया एक रो दो कॉलम का, मतलब दो बॉक्स आपको बनेगा। आप बोलेंगे इसे बड़ा चाहिए, फिर माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस, तो फिर प्लस, तो इससे मेरा कितना कैसा टेबल बनेगा, एक रो का और कितना कॉलम, वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम और फोर्थ कॉलम का, एंटर दबा दीजिए। देखिए चार बॉक्स बन गया ना, मतलब एक रो और चार कॉलम। अब आपको इसको बढ़ाना है तो एंड में कर्सर को लाइए, एंटर दबाइए, फिर एंड में कर्सर को लाइए, एंटर दबाइए, एंड में कर्सर को लाइए, एंटर दबाइए, तो ये क्या होगा, ऐसे ही आपका टेबल बड़ा होता जाएगा। टेबल का साइज़ को बड़ा करना है, एंड में लाइए, ऐसे बढ़ाइए। देखिए दोस्तों इसे बनाना कितना आसान था। आखिरी में अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।